एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सीओ को दिया गया और उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत व अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता एवं व्यापारी नेता दिनेश आनंद पापा के पुत्र के साथ विगत दिनों भूतेश्वर पर हुई लूट मारपीट के मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत व समता फाउंडेशन के द्वारा एसएसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और एक एसएसपी के नाम सीओ रिफाइनरी हर्षिता सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत व अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारियों कहना है कि मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। वही ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एक बार शिकायत की। उनका कहना है गोवर्धन के माधुरी कुंड में अनुसूचित जाति की बारात के साथ मारपीट की घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया। इस मामले में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं हो जाती तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आपके यहाँ आए के संबंध में आए क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि हमारे संगठन के सलाहकार हैं दिनेश पापे गुरु, उनको बेटे से लगभग 5 दिन पहले मारपीट की घटना हुई है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहला बिंदु तो हमारा ये है। दूसरा बिंदु है हमारा गोवर्धन में जो भी जातिवाद फैलाने के लिए कोशिश की गई है, वहाँ महाराष्ट्र को मारपीट की गई है, उसमें जो भी सच्चाई है उस सच्चाई का साथ दिया जाए। तीसरी बात ये है हमारी कि बच्चा लापता है काफ़ी दिनों से और वो आपके थाना आयोग के अंदर में आता है, तो उस पर भी हमने एक संज्ञान दिया है एसएसपी महोदय को कि इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। एक कल जो छोटा भी था हमारा, आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार चल रही है, देश प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आए दिन हत्या, लूट, मुकदमे और इस तरीके की अपहरण की घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारे समाज से भी दिनेश आनंद पापे जो मथुरा के कम से कम 84 साल की उम्र है उनकी, और उन्होंने एक दो पीढ़ियों को आते जाते देखा है, उनके बच्चे से जो अपनी मेहनत की कमाई करके एक बर्तन की दुकान चलाते हैं उनसे 2 लाख रुपये की लूट कम से कम की गई और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। लेकिन अपराधी अपनी राजनीतिक प्रसरय के माध्यम से उसके खुले गुस्साए में खुलेआम घूम रहे हैं और तमाम माध्यमों से राजीनामा की और मुकदमा वापस लेने की धमकियां दे रहे हैं। हमारी आज भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा ये मांग है कि उपरोक्त लोग तत्काल गिरफ्तार किए जाएँ। और दूसरी मांग हमारी है कि थाना गोवर्धन में करीब 8 दिन पूर्व एक बारात के साथ मारपीट जातीय पूर्वाग्रह के तहत हुई थी, उसमें बारात चढ़ने से एक दिन पूर्व लड़की पक्ष के लोगों ने थाना गोवर्धन में थाना इंचार्ज कंसाना को तहरीर दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर घटना घट गई, उसके बाद पुलिस लीपापोती का काम कर रही है। पीड़ित पक्ष के लोगों को ही बंद कर दिया गया, वो जमानत पर है। हम चाहते हैं कि तत्काल उनकी मुकदमा पंजीकृत हो। और अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है कि 6 तारीख को जो लोग अमन चैन को खिलाफ कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और जो भाईचारे और शांति के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रशासन अपने राजकीय स्तर पर प्रोत्साहित करे, उनको 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 एक तरीके से प्रोत्साहित करे, संरक्षित करे। अगर ये मांग है 7 दिन के अंदर हमारी पूरी नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन और समता फाउंडेशन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हम अपना खाना पीना छोड़ देंगे अगर उक्त लोगों की गिरफ्तारी 7 दिन के अंदर नहीं हुई। कप्तान साहब को जो ज्ञापन दिया के संबंध में दिया गया, क्या ज्ञापन? ज्ञापन हमने यही दो या चार मांगे दी है हमने। एक बच्चा भी 9 महीने से गायब है, उसकी तो बात हम लगातार बैठे हुए हैं, उनकी भी बात की हमने। किसानगर में एक मामला और घटित हुआ है, उसकी भी बात की हमने। तो पूरे प्रदेश की, पूरे मथुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का आदमी सुरक्षित नहीं है। भोले वाले लोगों को हर तरीके से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सीधे साधे लोग मेहनत करके खाने वाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार के द्वारा ऐसा लग रहा है कि जीना दूभर हो गया है। जो लूट की घटना है वो कब की है? लूट की घटना 7 दिन हो गए करीब। हाँ, उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया, मुकदमा संख्या 752 उसमें पंजीकृत है थाना कोतवाली के अंतर्गत। उसमें एक अपराधी खुले हम घूम, धमकी कौन लोग दे रहे हैं? वही लोग रस रहे हैं उनको अपने सूत्रों द्वारा भेज रहे हैं, वो लोग धमकी दे रहे हैं, उन्हें जानते हैं? नहीं, बिल्कुल उनके नाम के द्वारा पंजीकृत है मामला, उनके नामजद मामला पंजीकृत है, और वो लोग इस तरीके से राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। तो किस द्वारा धमकी दी जा रही है अब ये तो पीड़ित पक्ष बताएगा कौन कौन आया था उनके पास। ऐसी आपस में राजीनामा की बातें होती है क्यों जी? अब तो राजीनामा मथुरा में